हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2023 में करवा चौथ व्रत कब है, चंद्रोदय का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि और साथ ही जानेंगे इस वर्ष पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, इसलिए हर साल इस व्रत का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। पूरा दिन निर्जल व्रत रखने के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, इस साल यह व्रत बेहद ही खास है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का दुर्लभ संयोग बनेगा, जो पूजा पाठ की दृष्टि से अति उत्तम होगा। साल 2023 में करवा चौथ व्रत कब है, चंद्रोदय का समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री, पूजा विधि, क्या इस वर्ष पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं, तो आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं करवा चौथ व्रत 2023 में कब है। दोस्तों, 2023 में करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह व्रत चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन के साथ पूरा होता है। दोस्तों, इस बार चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी तिथि में मुहूर्त 1 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसी दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। अब जान लेते हैं करवा चौथ शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर रात 9:30 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर की रात 9:19 पर। करवा चौथ प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 1 नवंबर की शाम 5:36 से शाम 6:54 तक। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 1 नवंबर की रात 8:15। दोस्तों, व्रत की संपूर्ण अवधि होगी 1 नवंबर की सुबह 6:33 से रात्रि 8:15। आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर सर्गी ग्रहण करें और निर्जल व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की पूजा की जाती है। दोस्तों, जिस तरह प्रत्येक कार्य से पहले गणेश जी की पूजा करने का विधान है, ठीक उसी तरह करवा चौथ के व्रत में भी सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद भगवान शिव, माता गौरी और की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की पूजा विशेषकर शाम के समय की जाती है। पूजा के लिए गेरू और चावलों को पीसकर घोल तैयार कर करवा का चित्र बना लें। 8 पूरियों की अठावरी, हलवा व अन्य पकवान बनाएं। दोस्तों, पूजा स्थल पर मिट्टी से मां गौरी और गोद में विराजमान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। मां की प्रतिमा के साथ भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित करें और जल से भरा हुआ कलश उनके समक्ष रखें। अब देवी पार्वती को सुहाग का सभी सामान अर्पित करें। वायना अर्थात भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। दोस्तों, करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर का बुरा भर दें। अब उसके ऊपर दक्षिणा रखें, रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं और अब गेहूं या चावल के दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ें या सुने और अंत में सभी देवी देवताओं की आरती कर घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ देकर व्रत संपन्न करें। आइए जान लेते हैं करवा चौथ पूजन सामग्री के बारे में। दोस्तों, करवा चौथ व्रत में इसकी पूजन सामग्री का खास महत्व होता है। इस व्रत से जुड़ी जरूरी सामग्री में सबसे आवश्यक होता है करवा। यह मिट्टी का बना हुआ टोटी वाला एक छोटा सा कलश होता है, जिसके ऊपर ढकने के लिए मिट्टी का एक दिया होता है। दोस्तों, मिट्टी की जगह पीतल का करवा भी लिया जा सकता है, लेकिन मिट्टी के करवे की अधिक मान्यता होती है। इसके साथ ही मिट्टी के दो दिए, करवे में लगाने के लिए कांस की तिलियां, पूजन के लिए कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, मौली, फूल, फल, प्रसाद आदि की आवश्यकता होती है। दोस्तों, रात में चंद्र दर्शन के बाद पति का चेहरा देखने के लिए छलनी, जल से भरा हुआ कलश या आचमनी, चौकी, करवा चतुर्थी का चित्र जिसमें शिव, पार्वती, कार्तिकेय व चंद्रमा का चित्र बना हो, करवा चौथ व्रत की कथा की किताब, धूप दीप, सुहाग सामग्री और करवे में भरने के लिए गेहूं, शक्कर, खड़े मूंग का अनाज आदि की आवश्यकता होती है। अब जान लेते हैं इस साल पहली बार व्रत उठाएं या नहीं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मल मास या अधिक मास में कोई भी नया कार्य या कोई भी नया व्रत शुरू करने को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। पहला, जो व्रत आप पहले से ही लेते आ रहे हैं, उन्हें मल मास वाले वर्ष के दौरान भी वैसे ही करते रहना चाहिए जैसा कि आप करते चले आ रहे हैं। जहाँ तक नया व्रत या पहली बार करवा चौथ व्रत उठाने की बात है, तो मल मास वाले वर्ष में भी व्रत उठाया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु और शुक्र अस्त हो तब ऐसी स्थिति में आपको नया
करना या पहली बार व्रत नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।